निर्माणाधीन मकान पर चला बुलडोजर, महिला ने बुलडोजर पर चढ़ा काटा हंगामा। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम और राजस्व विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई में समीपवर्ती गांव अक्रूर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान निर्माणाधीन मकान पर महाबली चलने से आक्रोशित महिला ने जेसीबी पर चढ़कर हंगामा काटा। महिला का आरोप है बिना नोटिस के तोड़फोड़ की और कार्रवाई की गई। यहां बताते चले यमुना की खादर में निर्माण को लेकर यदाकदा जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है, जिसको लेकर के ये कार्रवाई देखी गई। जी क्या नाम है आपका? रेनू सिंह जी। जो आपका मकान तोड़ा गया है, किस तोड़ा गया है? हमें कुछ बताया ही नहीं, कुछ भी नहीं पता है। अचानक से आया गया है, अचानक उसमें बुलडोजर चला दिया है, अचानक तोड़ के। कोई जानकारी नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। 10 मिनट के लिए वहाँ से खाना खाने बस आई हूँ, उतनी देर में तो घर गिरा दिया है। 10 मिनट का भी पुलिस ने, प्रशासन ने जो भी वहाँ था वेट नहीं किया हमारा। अगर अवैध होता तो और भी कालो और भी मकान बने हुए हैं वहाँ पर? बहुत सारे मकान बने हुए, सिर्फ स्पेशल मेरा ही बस क्यों तोड़ा गया है? एक एक पैसा इकट्ठा करके कैसे कैसे बनवाया था वहाँ उस मकान में। 15 लाख रुपए मेरा लग चुका था, सारा काम हो चुका था, नीचे दीवार चलनी थी, उसमें मिस्त्री काम भी कर रहे थे, सब कुछ हुआ। पर सबको धक्का दे करके पुलिस बाहर कर करके उसमें बुलडोजर चलवाई। कानून के आगे रह करके ये सब गलत काम, कानून अपने सामने रह करके ये सब करवाई। क्या चाहते हैं भैया? मैं चाहती हूँ कि सरकार मेरी मदद करे, मुझे या तो सरकार रहने के लिए घर दे, वो अवैध था जो भी था, जो मैंने मेरा 15 लाख रुपए लगा है उसमें, वो सरकार मुझे दे, या सरकार मुझे रहने के लिए घर दे। मैं किसी और ज़मीन में नहीं बात करूँगी, क्योंकि मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। सरकार या तो हमें तीनों को ख़त्म कर दे, या हमको रहने के लिए घर दे, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि सरकार कानून अपने सामने, मैंने SDM सर को भी कॉल किया, बात भी करवाई, जो वो लोग खड़े थे तब तो रोकना चाहिए था, नहीं रोका। वो हमारे जिले के DM है, हमारा तो फर्ज बनता है कि हम अपनी मदद उनके तो पास। आपके पास तो सब रजिस्ट्री है, सब है, सब कुछ है, पूरे रजिस्ट्री है, कागज है, सब कुछ है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।